सो व्हाट्स अप भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। अरे भाई आप सब लोग भी कैसे हो गए भाई। मैं खुद ही इतना परेशान हूँ भाई, इतना ज़्यादा दुखी हूँ कि आप सब लोगों को क्या बताऊँ भाई। सभी बंदों को तो पता ही है भाई कि हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के एक लेजेंड जैसे मतलब स्काईलॉर्ड भाई हम सब लोगों को छोड़ के चले गए हैं। भले ही हम सब लोगों के पास देखने के लिए स्काईलॉर्ड भाई का चेहरा नहीं है, लेकिन स्काईलॉर्ड भाई और उसके जो यादें हैं वो हमेशा हम सब लोगों के दिल में रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सभी भाई लोग एक बार हैशटैग स्काईलॉर्ड भाई लेजेंड एक बार जरूर से कमेंट कर दो गाइस। भाई लोग ये वीडियो बनाने का मन तो गाइस बिल्कुल भी नहीं है मेरा, पर बहुत सारे बंदों ने मिक्स प्रो खरीद लिया है और मिक्स प्रो में जो मैक्रो है उनके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे मैक्रो किया जाता है ये भी जानना चाहते हैं। तो गाइस तो भाई लोग आज के वीडियो में मैं यही आप सब लोगों को बताऊंगा, मतलब सीटअप ग्लूवल के बारे में और भी बहुत सारे मैक्रोस के बारे में आप सब लोगों को बताऊंगा और करके दिखाऊंगा भी। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहना। अगर चैनल में नया तो भाई लोग सभी भाई लोग सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों के पास एकदम सही टाइम में पहुंच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं आप सब लोगों को यह बता दूं कि मैक्रो है क्या, क्योंकि मैक्रो को लेके बहुत सारे बंदों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैक्रो से हेडशॉट लगता है या मैक्रो क्या, मतलब मैक्रो लगाने से क्या आईडी बैन हो सकती है। ऐसे बहुत सारे बंदों का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं अभी आप सब लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर देता हूं। गाइस मैक्रो से आईडी बैन नहीं होता। अगर गाइस आईडी बैन होता तो पीसी प्लेयर्स का आईडी बहुत पहले बैन हो गया होता। और गाइस मैक्रो से हेडशॉट लगता है क्या, ये भी एक क्वेश्चन है गाइस, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। गाइस मैक्रो से हेडशॉट नहीं लगता। हेडशॉट मारने के लिए आप सब लोगों को अपने हैंड का स्किल यूज करना पड़ता है, मतलब माउस का स्किल यूज करना पड़ता है। और गाइस मैक्रो ये चीज है कि दो तीन बटन का काम एक ही बटन में एक बार टैप करने से ही हो जाता है गाइस, इसको मैक्रो बताते हैं। तो मैं अभी आप सब लोगों को गेम के अंदर ले चलता हूं और वहां पे आप सब लोगों को दिखा देता हूं कि मैक्रो कैसे करते हैं और किस किस चीज के ऊपर मैक्रो करना चाहिए। तो भाई लोग मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और गाइस चलो जल्दी से चलते हैं मेरे कस्टम एचयूडी की ओर। और गाइस ये है मेरा कस्टम एचयूडी। और गाइस अब सब लोगों का अपना अपना जो की मैपिंग है वो मैक्रो के लिए गाइस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादातर बंदों के पास बड़े बड़े कीबोर्ड्स होते हैं। और गाइज बड़े बड़े कीबोर्ड्स में जो F1, F2, एस्केप वाला ये जो बटन है गाइज, ये अपने जो बाएं हाथ के जो 5 फिंगर्स है इनसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। अगर आप सब लोग उन सब कीज़ में मैक्रो सेट करते हो तो आप सब लोगों को मैक्रो यूज़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आप सब लोगों को ऐसे पर्टिकुलर एक बटन चूज़ करना होगा जो कि आप सब लोगों को जो 5 फिंगर्स के रेंज में एकदम परफेक्टली आए। जैसे कि गाइज मैं सी पे मैक्रो किया हूँ, CTRL पे मैक्रो किया हूँ, टी पे मैक्रो किया हूँ। गाइज मैं इन दो तीन चीज़ पे मैक्रो किया हूँ और मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। गाइज यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के बटन्स है ये है मैक्रोज है। और गाइज मैं एक एंटर बटन पे भी मैक्रो किया हूँ और ये मैं क्यों मतलब किस बटन पे किया हूँ मैं आप सब लोगों को अभी बता देता हूँ। गाइज ये मैक्रो मैंने किया है यहाँ पे देखो, एक यूज़ और एक रिवाइव करने के लिए, जो कि गाइस बहुत कम यूज़ होता है, तो मैं इसलिए इस एंटर वाले बटन के ऊपर मैक्रो किया हूँ। तो गाइस मैं आप सब लोगों को यहाँ पे सिंपल सा दिखा देता हूँ कि कैसे मैक्रो करते हैं। तो गाइस आप सब लोगों को पहले यहाँ पे चेंज वाले ऑप्शन में चले जाना होगा और चेंज वाले ऑप्शन में चले जाने के बाद यहाँ पे आप सब लोगों को सिंपल सा एक टैप करना होगा और आप सब लोग जो भी बटन अपने मैक्रो के लिए यूज़ करना चाहते हो वो बटन सिलेक्ट कर लो। तो मैं इसमें आप सब लोगों को मैक्रो के लिए क्यू बटन को दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यू बटन को ले लिया और एडिट की में जाके गाइस एकदम लास्ट में जो मैक्रो डिफाइन वाला ऑप्शन है वहाँ पे चले जाना होगा और एडिट मैक्रो में जाके गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिलीट की और ऐड की यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप सब लोग जितनी बार ऐड की के ऊपर क्लिक करोगे उतना बटन्स यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही बटन लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्लूवल का मैक्रो करना है। तो यहाँ पे ग्लूवल का मैक्रो करने के लिए आप सब लोगों को यहाँ पे जो Q1 है इसको रखना होगा आप सब लोगों को ग्लूवल के ऊपर और यहाँ पे जो Q2 है इसको रखना होगा आप सब लोगों को क्राउच बटन के ऊपर। और गाइज ये करते ही आप सब लोगों का जो मैक्रो है वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि इस बटन के ऊपर आप सब लोगों को एडिट मैक्रो पे चले जाना होगा। और गाइज यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है जहाँ एक्शन टाइम, इसको गाइज एक बार माइनस करना होगा, 0.03 सेकेंड करना होगा। और गाइज सेम इसको मतलब Q2 बटन के ऊपर एडिट मैक्रो में जाके ये सेम सेटिंग्स आप सब लोगों को करना होगा और इसके बाद यहाँ से गाइज सेव कर देना होगा। और आप सब लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ कि ये मैक्रो कितना फास्ट और कैसे काम करता है, ताकि गाइस आप सब लोग देखो। मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता हूँ।
तो भाई लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाने के बाद आप सब लोग अपने ग्लूअल प्रैक्टिस वाले सेक्शन में चले जाना। तो गाइज़ यहाँ पे जाके आप सब लोग क्या करना, पहले तो ग्लूअल ले लेना गाइज़। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर बटन टैप करते ही मेरा हाथ में ग्लूअल आ जाएगा, जैसे कि मैंने मैक्रो किया था। और गाइज़ देखो मैं एक बार क्यू बटन को दबा रहा हूँ और गाइज़ ग्लूअल लेके यहाँ पे बैठ रहा है। और आप सब लोग यहाँ पे फायर बटन को क्लिक करते हो तो गाइज़ यहाँ पे सीटअप ग्लूअल लग जाता है। तो जैसे ही गाइज़ आप सब लोग पहले ड्रैग करना, फिर क्यू को दबाना, फिर ड्रैग, फिर फायर बटन को दबाना। और गाइज़ ऐसे करके ही पीसी प्लेयर्स बहुत फास्ट ग्लूअल पुट करते हैं। और गाइस ये सब अब सब लोगों को एक दिन में नहीं होगा, अब सब लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करते करते अब सब लोगों का मतलब हैंड का स्पीड जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, अब सब लोगों का ग्लूअल भी उतना तेज़ लगेगा। तो गाइस मैक्रो इसी तरह से यूज़ करते हैं। और गाइस अब सब लोगों को एक और बात बता दूं कि मैक्रो किस किस चीज़ पे किया जा सकता है। जैसे कि गाइस आप सब लोग AWM पे मैक्रो कर सकते हो, ग्लूअल के ऊपर मैक्रो कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो एप्पल अपातो का मूवमेंट है गाइस, उसके लिए कोई मैक्रो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस एप्पल अपातो का जो मूवमेंट है, मैंने पहले अपना जो की मैपिंग है उसके ज़रिए ही मैं विदाउट मैक्रो एप्पल अपातो का मूवमेंट कर सकता हूँ। जैसे कि आप सब लोग देखो यहाँ पे गाइस मेरा की मैपिंग ही कुछ अलग लेवल का है, मैंने बहुत सोच के ये की मैपिंग बनाया था। अगर आप सब लोगों को मेरे की मैपिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, आप सब लोग बता देना, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सब लोगों को सबको समझ आया होगा। अगर किसी भी बंदे को समझ ना आए तो इंस्टाग्राम पे बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप सब लोगों को मतलब आप सब लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं सभी कुछ एकदम सॉल्व कर दूंगा। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक स्टे सेफ स्टे होम, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।